हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग दिस इज भारती आई एम योर मैथ्स टीचर आई एम बैक अगेन विथ न्यू एक्सरसाइज दैट इज 9.3 सो मैं चैप्टर नंबर नाइन पढ़ा रही हूँ उसमें मैं डेटा हैंडलिंग पढ़ा रही हूँ आपने मेरी जो स्क्रीन है उसको देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा हैंडलिंग चल रहा है ठीक है सो so, मैंने नाइन पॉइंट और 9.2 में ऑलरेडी कवर अप करवाया है डेटा कलेक्शन कैसे होता है पिक्टोग्राफ क्या होता है फिर 9.2 में मैंने आपको पिक्टोग्राफ बनाना भी सिखाया है कि पिक्टोग्राफ कैसे यूज़ किया जाता है कैसे बनाया जाता है ठीक है तो आप लोग भी मेरी 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज को पहले देख लो फिर 9.3 को देखो मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल्स कवर करवाए सारे क्वेश्चन कवर करवाए तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है क्योंकि एग्जाम अब हमारी पास आ रही है तो हमें ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होने वाली है मैडम की क्लासेस देखिए और फटाफट फड़ से क्लास सिक्स की मैथ्स पढ़िए पे मैं NCRT क्लास 6 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ सो फर्स्ट स्लाइड इज बाराफ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि बारग्राफ क्या हो तो बारग्राफ अब बारग्राफ क्या होते हैं हमें सबसे पहले ये देखना है कि बारोग्राफ क्या होते हैं तो यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग डेटा बाई पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट एट दिफिकल्ट टू अब देखो हम पिक्टोग्राफ से डेटा बना रहे थे बट जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा बड़ा होता था तो उसको बनाने के लिए कैल्कुलेशन करने के लिए डेटा यूज करने, करने के लिए बहुत टाइम कंज्यूम होता था ठीक है तो यहाँ पे और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता था कई बार कि हमारा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है और डिफिकल्टीज भी बढ़ रही अब क्या हो रहा है हमको डेटा हमें टाइम भी कम यूज करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे डेटा को थोड़ा सा इमेजिन करेंगे विजुअली हम सोचेंगे कि डेटा कैसा हो सकता है तो यहाँ पे बारोग्राफ की हेल्प से हम देखते हैं लेट सी सम अदर वे टू रिप्रेजेंटिंग डेटा विजुअली बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजोंटली और वर्टिकली विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम हम क्या करेंगे यहाँ पे बार्स यूज करेंगे बार्स कैसे होते हैं ये ऐसे होते हैं ठीक है ऐसे बार होंगे या तो हम ऐसा यूज करेंगे या फिर हम ऐसे बार्स यूज करेंगे ठीक है तो वो क्या होंगे हमारे या तो वर्टिकली बनेंगे या फिर हॉरिजॉन्टली बनेंगे और उनकी जो स्पेस होगी यहाँ की जो बिटवीन जो स्पेस होगी ये इक्वल होगी सबकी ठीक है सच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इज कॉल्ड बार डायग्राम और ऐसी मेथड्स जो होती हैं जहां पे हम इस तरीके से बार यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं बार ग्राफ या फिर बार डायग्राम सो मूविंग ऑन नेक्स्ट समझ में आ गया बार ग्राफ क्या होता है नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ ए बार ग्राफ लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ वेहीकुलर ट्रैफिक एट बिजी रोड क्रॉसिंग इन अ दिल्ली अब हम क्या करेंगे दिल्ली क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है ठीक है तो वहां पे एक हम दिल्ली की किसी रोड को देखते हैं जहां पे रोड में क्या हो रहा है व्हीकल क्रॉस कर रही है तो हम क्या करेंगे विच वॉस ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया कि जितनी भी जो व्हीकल्स है वो क्रॉस हो रही है सिक्स ए एम से टू नून तक मतलब सुबह के 6 बजे से बारह बजे तक जितनी भी व्हीकल क्रॉस कर रही है उसका एक टेबल बनाया एक बायोग्राफ बनाया और देखा कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी क्रॉस हुई तो वन यूनिट ऑफ लेंथ स्टैंड फॉर टेन व्हीकल्स मतलब उसने एक यूनिट जो बनाई वो टेन व्हीकल्स के लिए बनाई ठीक है तो चलो हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये है बायोग्राफ ठीक है अब देखो यहाँ पे हमारे पास टाइम इंटरवल है कि सिक्स से ट्वेल्व तक बनाया तो सिक्स से 7 के बीच में कितनी व्हीकल्स फिर वेहीकल्स टू 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 और ट्वेल्व ठीक है तो ये है है आपका टाइम इंटरवल और ये है आपकी नंबर ऑफ वेहीकल्स ऑफ वेहीकल्स हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड तक कितनी व्हीकल्स कितने आरस के बीच में आई तो द स्केल इज अ वन यूनिट लेंथ इक्वल टू हंड्रेड व्हीकल्स आपको समझ में आ रहा है जो स्केल है वो हंड्रेड हंड्रेड व्हीकल्स की यूनिट लेंथ की बनी हुई है दैट इज वन यूनिट लेंथ इक्वल्स टू हंड्रेड व्हीकल्स मतलब यहाँ से लेकर हंड्रेड फिट टू हंड्रेड फिट थ्री हंड्रेड सो ऑन तो जो स्केलिंग है उसमें हंड्रेड हंड्रेड की यूनिट लेंथ बनी हुई है और ये जो है ये आपका टाइम इंटरवल है तो हमने देखा कि सिक्स से छह बजे से सात मतलब छह बजे से सात बजे के बीच में कितनी व्हीकल्स आई तो हंड्रेड से ज्यादा है बट टू हंड्रेड से कम है ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हीकल्स जो हमारी हैं वो कुछ वन फिफ्टी के अराउंड होंगी ठीक है ऐसा हम कह सकते हैं फिर सात से आठ के बीच में कितनी व्हीकल्स हैं आठ से, से नौ के बीच में ये हमने यहाँ से नंबर ऑफ वेहीकल्स से अंदाजा लगाया तो हमने क्या देखा कि वी कैन सी द मैक्सिमम ट्रैफिक शोन बाय द लॉन्गेस्ट बार यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है वो सात बजे से आठ बजे के बीच में है द सेकेंड लॉन्गेस्ट बार इज आठ एट टू नाइन तो सेकेंड लॉन्गेस्ट बार ये वाला हो गया ये मैक्सिमम ट्रैफिक हो गया

टोटल ट्रैफिक ड्यूरिंग टू पीक आवर्स एट टू टेन एम मतलब आठ बजे से दस बजे के बीच में कितना ट्रैफिक है वो बताया हुआ है ठीक है एशोन बाय द टू लॉन्गेस्ट बार थाउजेंड प्लस नाइन हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड व्हीकल्स यहाँ पे वन यूनिट लेंथ आपकी जो है वो टेन करोड़ है वन यूनिट लेंथ कितनी है टेन करोड़ ठीक है तो इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द डेटा आर लार्ज देन यू मे नीड डिफरेंट स्केल मतलब अगर आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा है तो आपको जो स्केल होगी वो उतनी ही बड़ी लेनी पड़ेगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया द नंबर आर क्रोर सो इफ यू टेक वन यूनिट टू क्रोर ठीक है तो देखो यहां पर नाइनटीन फिफ्टी वन में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी तो यहाँ पे टेन करोड़ है मतलब वन टू थ्री फोर अराउंड थर्टी सिक्स ठीक है कितने हो गए थर्टी सिक्स क्रोर हो गए फिर नाइनटीन सिक्सटी वन में फोर्टी फोर फिर सेवेंटी फिफ्टी फोर तो ये जो है ये पॉपुलेशन मैक्सिमम कब हो गई 2001 में कितनी होगी मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी मिनिमम कब होगी 1951 तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है ये बार ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो मूविंग ऑन अवर फर्स्ट एग्जांपल दैट इज दिस रीड द एड जॉइनिंग बारग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अर्टिकुलर क्लास ऑफ द स्कूल क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास क्या है नंबर ऑफ इो कर रहे हैं और ठीक, है? पे है, हुए है. ठीक है क्या बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इयर में कौन कौन से स्टूडेंट जैसे वन यूनिट लेंथ में कितने टेन स्टूडेंट है मतलब यहां तक टेन है फिर यहाँ ट्वेंटी थर्टी ठीक है तो हमें आंसर देना है वॉट इज द स्केल ऑफ द ग्राफ ग्राफ की जो स्केल होगी वो क्या होगी ये बताना है फिर बताना है हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट आर एडेड एवरी ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर टू थाउजेंड थ्री टू दैट द नंबर ऑफ ईयर टू थाउजेंड टू तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द स्केल ऑफ द ग्राफ तो क्या स्केल है वन यूनिट लेंथ जो है वो कितना है इक्वल टू टेन स्टूडेंट के बराबर तो ये हो गया हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक है फिर बी क्वेश्चन क्या है हमारे पास हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट आर एडेड एवरी ईयर हमें ये बताना है कि हर साल कितने नए स्टूडेंट एड होते हैं तो हमें क्या करना है पहले हमें देखना है कि 2000 में कितने स्टूडेंट थे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2000 में 30 स्टूडेंट्स थे ठीक है थीके? फिर 2001 में कितने स्टूडेंट हुए 40 हुए फिर 2002 में कितने हुए 50 हो गए फिर 2003 में कितने हुए तो uh, 60 हो गए तो हमने क्या देखा

तो यस उसका आंसर यस हो गया मूविंग ऑन एक्सरसाइज सो वी हैव द अमाउंट ऑफ वीट परचेज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग टू यहाँ पे एक बारोग्राफ दिया है जिसमें बताया है कि वीट जो परचेज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा नाइनटीन नाइन एट और टू थाउजेंड टू के बीच में

नेक्स्ट क्वेश्चन तो है आपका 1998. ये बार ग्राफ से आपको दिख रहा है ये स्मॉलेस्ट दिख रहा है ये लॉन्गेस्ट दिख रहा है ठीक है सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू ऑब्जर्व दिस बारोग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ द शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू Saturday. हमें मंडे टू सैटरडे में कितनी शर्ट की सेल हुई है वॉट इंफॉर्मेशन डब बार गिव जो हमारा बार है वो क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो हमें पहले बताना है तो हमारे पास हमको क्वेश्चन का आंसर देना है फर्स्ट का कि क्या इंफॉर्मेशन शो कर रही तो इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है कि नंबर ऑफ बारोग्राफ शो कर रहा है कि कितनी सेल हुई है मंडे से सैटरडे तक शर्ट की तो क्या बता रहा है सेल ऑफ शर्ट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ठीक है ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बी व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजोनटल लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शर्ट हॉरिजोंटल लाइन की जो स्केल है जो चूज किए नंबर ऑफ शर्ट के लिए वो क्या है तो वो है आपकी वन यूनिट लेंथ इक्वल्स टू फाइव शर्ट ठीक है सी ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हाउ मेनी शर्ट वोल्ड ऑन दैट डे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट कब सोल्ड हुई ये हुई सैटरडे को और कितनी हुई सिक्सटी तो कौन से डे हुई पहली बात तो वो सैटरडे को हुई और कितनी हुई शर्ट्स ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट क्वेश्चन ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड मिनिमम नंबर कब हुई ट्यूसडे को तो मिनिमम नंबर कब हुई हमारी ट्यूसडे को वी हैव वन मोर क्वेश्चन दैट इज ई क्वेश्चन हाउ मेनी शर्ट वर सोल्ड ऑन थर्सडे थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं तो थर्सडे को थर्टी फाइव सो थर्टी फाइव नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हुई कब थर्स मोर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री अब यहाँ पे भी हमें बारोग्राफ को ऑब्सर्व करना है विच शोज द मार्क ऑप्टेन बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट अजीज को हाफ ईयरली एग्जाम में इंग्लिश हिंदी मैथ्स में मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे स्केल यूनिट लेंथ इक्वल्स टू टेन मार्क्स नाउ यहाँ पे क्या इनफॉर्म इन्फॉर्मेशन डायोग्राफ शोज तो बायोग्राफ क्या शोज कर रहा है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ठीक है क्या शो कर रहा है मार्क्स शोज इन हाफ ईयरली एग्जाम इन डिफरेंट सब्जेक्ट इसको मैं आपको कहीं और बताती हूँ एक आंसर मार्क्स शोस ऑफ हाफरली एग्जाम इन डिफरेंट अजीज सो बी क्वेश्चन में नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें अजीज को मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं तो वो है हिंदी ठीक है सो दिस इज द हिंदी नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज हैजोड मिनिमम मार्क्स ऐसा कौन सा सब्जेक्ट में जिसमें उसको मिनिमम मार्क्स मिले हैं तो किसमें मिले हैं सोशल स्टडीज में फिर स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स मार्क्सेंड इन ईच कॉलम ठीक है आपको क्या करना है यहाँ पे स्टेट बनाना है एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको सब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं और ये बताना है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं सो वी है so, one, two, three, four, one, two, three, four, ठीक है सो so, वेरी uh, फर्स्ट इसको हम कॉलम्स में बना देते हैं ऐसे ना अब देखो पहले हिंदी फिर नेक्स्ट है आपका इंग्लिश फिर नेक्स्ट है मैथ्स साइंस सोशल स्टडीज हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं एटी इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं सिक्सटी फिर uh, सेवेंटी मिले हैं मैथ्स में फिर फिफ्टी मिले हैं साइंस में और ये हैं सोशल स्टडीज के मार्क्स फोर्टी ठीक है तो ये है टेबल ऑफ मार्क्स इतने इतने मार्क्स मिले हैं ईच सब्जेक्ट्स में तो ये आपको इस तरीके से टेबल बनाना है सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं कॉलम बना के फिर मार्क्स मेंशन करने हैं और आपको बताना है कि हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मार्क्सेंड हुए तो ये है आपका बारोग्राफ इस तरीके से आपको बारोग्राफ को सॉल्व करना है बारोग्राफ में आपको विजुअली देखना है कि कैसे बार बने हुए हैं फिर आपको ये देखना है है कि स्केलिंग कैसे कितनी कितनी यूनिट लेंथ में कितने मार्क्स शो किए हुए हैं उस तरीके से आपको बारोग्राफ बनाने हैं और आंसर देना है तो है ना इजी बहुत इजी है आज की क्लास आप लोग भी बारोग्राफ कीजिए बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मजा आएगा बारग्राफ को सॉल्व करने में तो आप लोग भी फटाफट से आज की क्लास देखिए और इसको सॉल्व कीजिए और जो भी मैंने होमवर्क में दिया उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए एक बात और देखिए आपको अगर मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो उसे प्लीज लाइक कीजिए उसके अलावा अगर आपको मेरे और भी वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले वो भी अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके हैं ठीक है तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं खत्म करती आई एम गोइंग टू लिव इंग दिस सेशन नाउ सो लेट्स एंड बाय बाय